नेशन वन के यूके बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं लीली और रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के देहरादून में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अगस्ता वेस्टलैंड डील पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आपको याद होगा कि आपका ये चौकीदार हेलीकॉप्टर घोटाले के कुछ दलालों को दुबई से उठाकर ले आया था। वहीं दायर चार्जशीट के अनुसार हेलीकॉप्टर घोटालों के दलालों ने जिन्हें घूस दी है उसमें एक एपी और दूसरा एफएएम है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसी चार्जशीट में ये कहा गया कि एपी मतलब अहमद पटेल और एफएएम का मतलब फैमिली। कांग्रेस के घोषणा पत्र की आलोचना करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि अगर आप कांग्रेस के ढकोसला पत्र को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कांग्रेस का हाथ किसके साथ है। हेलीकॉप्टर घोटाले के दलालों ने जिन लोगों को घूस देने की बात कही है उनमें से एक एपी है, एपी, और दूसरा एफएएम है, फेम। इसी चार्जशीट में कहा गया है कि एपी का मतलब है अहमद पटेल और एफएएम का मतलब है फैमिली। अब मुझे बताइए ये अहमद पटेल भाई किस फैमिली के निकट है, किस फैमिली से निकट है? आपको पता चल गया हेलीकॉप्टर की दलाली किसने खाई, हेलीकॉप्टर की दलाली किसने खाई? भाइयों और बहनों, चौकीदार का यही कड़ा रवैया इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपने अपने प्रचार को तेज कर दिया है। इसी क्रम में नैनीताल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने भी हल्दूचौड़, बिंदुखत्ता, लालकुआं के विभिन्न क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं उन्होंने लोगों से कमल का बटन दबाकर मोदी को फिर विजयी बनाने की अपील की। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने हरीश रावत का बिना नाम लिए उन पर जमकर निशाना साधा। इतना उत्साह है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर क्योंकि जनता ने खुद ही एक मुद्दा बना दिया है, राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद। आतंकवादियों को खुश करने वाले बयान देने वाले कांग्रेस के लोग और पाकिस्तान में हीरो बन रहे हैं अपने बयानों से, ऐसे कांग्रेस के लोग, नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने राष्ट्रवाद का झंडा लेकर विश्व में भारत का नाम फहराया है उनको हर तरह से पदच्युत करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, लेकिन सत्य सत्य होता है, कभी हट नहीं सकता है। अजय भट्ट उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, इसलिए प्रदेश का हर कोना मेरा घर है और हल्द्वानी में मेरा घर है, मेरे भाई का घर है, मेरे चाचा का घर है, मेरी ससुराल हल्द्वानी में है, हल्दूचौड़ में मेरे रिश्तेदार रहते हैं। मैं पाकिस्तान से नहीं आया हूं जहां के लिए राहुल गांधी जहां हीरो बन रहे हैं आजकल, मैं इसी देश का रहने वाला। लालकुआं से शाहनूर की रिपोर्ट। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, रुकेंगे यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बने रहे नेशन वन के साथ। धर्म, आस्था और सभ्यता जीने का हुनर सिखाती है। एक प्रदेश जहां संस्कृति फिजाओं को महकाती है, घर घर से जहां देश सेवा सरहद पर ले जाती है, एक प्रदेश जहां की मिट्टी भी वतन परस्ती निभाती है। जल, जंगल, जमीन पर जब सियासत की नजर होती है, एक प्रदेश जहां की हुंकार दिल्ली की कुर्सी हिला जाती है, एक प्रदेश जहां मुद्दे ठहर जाते हैं, फाइलें रुक जाती हैं, लेकिन सियासत मौसम की तरह बदल जाती है। धर्म, जाति और क्षेत्रवाद में नहीं बटेगी कोई खबर। ऐसे प्रदेश उत्तराखंड के अब हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। देखते रहिए नेशन वन, देश की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की कल श्रीनगर गढ़वाल दौरे को लेकर जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो वहीं भाजपा राहुल गांधी पर निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। राहुल गांधी के एक बयान पर भाजपाइयों ने राहुल का मजाक उड़ाया। भाजपाइयों ने शहर के सब्जी विक्रेताओं से राहुल गांधी के लिए आलू खरीदे।
आपको बता दें कि विभिन्न सोशल मीडिया में राहुल गांधी का आलू से सोना बनाने वाला वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर भाजपाई इस बात को लेकर राहुल पर जमकर तंज कस रहे हैं। भाजपाइयों का कहना है कि कल राहुल श्रीनगर आ रहे हैं, क्या पता कल श्रीनगर पहुंचकर राहुल अपनी सोना बनाने वाली मशीन से आलू से सोना बनाकर श्रीनगर के नागरिकों को दें। ऐसा है कि हम लोग भी चाहते हैं कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने बयान दिया था उत्तर प्रदेश में कि आलू से सोना बनाएंगे, तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि हम भी अमीर हों और ये आलू हम सब लोग इकट्ठा करके, आज जिस प्रकार से हमें दिख रहा है कि श्रीनगर में आलू की भारी किल्लत हो गई, तमाम लोग जो है, क्योंकि कल वो श्रीनगर में आ रहे हैं, तो तमाम लोग जो है आलू इकट्ठा करके और घरों में ले जा रहे हैं ताकि कल जैसे वो आएँ उनके पास दें और आलू से सोना बना के हम लोगों को दें। हम लोग भी, श्रीनगर के लोग भी चाहते हैं कि अमीर हों और जब हमें सोना, आलू से सोना बन जाएगा, तो हम लोग निश्चित रूप से कल उनका शुक्रिया अदा करेंगे। श्रीनगर से चरण सिंह की रिपोर्ट। उधर 2019 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और नेताओं का पार्टी बदलने का सिलसिला भी बदस्तूर चल रहा है। उत्तराखंड के सितारगंज से भी कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं के भाजपा में शामिल होने की खबरें आ रही हैं, जिसमें से कई राजनेता अपने क्षेत्र में खासी पहचान रखते हैं। भाजपा में शामिल होते हुए सितारगंज के विधायक सौरभ बहुगुणा का ये कहना है कि भारत को सुरक्षित रखने के लिए मोदी जी के साथ चलना होगा और यही कारण है कि हम सब बीजेपी में शामिल हुए हैं। साथ ही सितारगंज से कांग्रेस का नामोनिशान मिट जाने की बात कही। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष कृष्ण पंत ने भी कांग्रेसियों को मतलबी बताया। राजनगर के और अपने पूर्व प्रधान निर्मल नगर के सब लोग आज अपने ज्वाइनिंग करके आए हैं, तो एक ही चीज़ की वजह से आए हैं, क्योंकि उन्होंने सबने देखा है कि अगर भारत को सुरक्षित रखना है और एक सशक्त प्रधानमंत्री चाहिए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना सबकी आवश्यकता है आज के दिन। और बोलना चाहूँगा कि सितारगंज में कांग्रेस नाम का कोई प्राणी नहीं बचा है। आज आप देख लीजिए, आज जितने भी प्रमुख लोग कांग्रेस के थे सब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। मैं इन सबका पुनः धन्यवाद करूँगा कि सब कहीं ना कहीं हमारे पिताजी के साथ जुड़े हुए थे जब पिताजी मुख्यमंत्री जी का काम कर रहे थे यहाँ पर, और आज हम लोग वापस मिले हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। कि जो बेहतर योजना और बेहतर क्षेत्रीय विधायक आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी के यहाँ का जो विकास कार्य से मैं बहुत, मेरे मन प्रफुल्लित है, जिस वजह से मैं सैकड़ों साथियों के साथ कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन किया हूँ। मैं आज की डेट में संगठन नाम का कोई चीज नहीं है, उनका सिर्फ अपने मतलब से है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से है, बाकी आम जनता गरीब जनता से कांग्रेस को कोई सरोकार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। और मेरे साथ बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें नेशन वन के साथ। मुझे दे इजाजत, नमस्कार।